हेलो फ्रेंड्स, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए साइंस का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर एक, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो ऑप्शन नंबर डी थायराइड ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर दो, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन नंबर ए घेंगा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर तीन, निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? तो ऑप्शन नंबर ए वृद्धि हार्मोन। क्वेश्चन नंबर चार, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी न्यूरॉन। क्वेश्चन नंबर पाँच, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हार्मोन को। क्वेश्चन नंबर छः, जड़ का अधोगामी वृद्धि है? तो ऑप्शन नंबर बी गुरुत्वानुवर्तन। क्वेश्चन नंबर सात, प्रॉन्स मेंडुला और अनुमस्तिक पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर आठ, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? निम्नलिखित कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हृदय का धड़कना। क्वेश्चन नंबर नौ, अपटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर दस, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो ऑप्शन नंबर सी अनुमस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर ग्यारह, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सिनेप्स। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर बारह, कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर ए अग्नाशय। क्वेश्चन नंबर तेरह, निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी दिमाग। क्वेश्चन नंबर चौदह, पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए जिम्बेरेलिन। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर पंद्रह, इनमें से कौन पादप हार्मोन है? तो ऑप्शन नंबर डी साइटोकॉर्निन। क्वेश्चन नंबर सोलह, मेरुरज्जू निकलता है? तो ऑप्शन नंबर डी मेंडुला से। क्वेश्चन नंबर सत्रह, न्यूरॉन में छोटे शाखित प्रबंधन होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी डेंड्राइट। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर अठारह, यह संवेदी अंगों से संवेदता ग्रहण करता है? तो ऑप्शन नंबर ए डेंड्राइट यानी कि द्रुमिकाएं से। क्वेश्चन नंबर 19, एक्सॉन से कौन सा रासायनिक पदार्थ निकलता है? तो ऑप्शन नंबर ए एसिटाइल कोलीन। क्वेश्चन नंबर 20, तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर बी न्यूरॉन।
क्वेश्चन नंबर 21, साइट्रोन के सबसे लंबे तंतु को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए एक्सॉन। क्वेश्चन नंबर 22, मस्तिष्क का सोचने वाला भाग शरीर के बाकी भागों से कैसा जुड़ा होता है? मस्तिष्क का सोचने वाला भाग शरीर के बाकी भागों से कैसा जुड़ा होता है? तो ऑप्शन नंबर बी तंत्रिकाओं से। क्वेश्चन नंबर 23, प्रतिवर्त क्रिया क्या है? प्रतिवर्त क्रिया क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 24, कोमल मस्तिष्क सुरक्षित रखता है, कोमल मस्तिष्क सुरक्षित रहता है? तो ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क गुहा में। क्वेश्चन नंबर 25, यह ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण करता है? तो ऑप्शन नंबर ए सेरिबेलम में। प्रश्न नंबर एक है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो ऑप्शन नंबर बी 2 नियम हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, तो यह किरण होगी? तो ऑप्शन नंबर ए अभिलंब की ओर झुकेगी। क्वेश्चन नंबर तीन, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी लेंस के फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। क्वेश्चन नंबर चार, किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण होता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हीरा का। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन होता है? तो ऑप्शन नंबर डी भी वटे यू। क्वेश्चन नंबर 7, दर्पण का सूत्र है तो ऑप्शन नंबर ए 1/V + 1/U = 1/F। क्वेश्चन नंबर आठ, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो ऑप्शन नंबर डी निर्वात में। क्वेश्चन नंबर 9, प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो ऑप्शन नंबर ए सीधी रेखा में। क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो ऑप्शन नंबर बी 2 नियम हैं। क्वेश्चन नंबर ग्यारह, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण का। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 13, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है? तो ऑप्शन नंबर ए दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को। क्वेश्चन नंबर 14, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर डी गोलीय दर्पण का द्वारक। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है? तो ऑप्शन नंबर सी +16 सेमी।
क्वेश्चन नंबर 16, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रतिक्रिया, उस बिंब की प्रकृति क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर ए वास्तविक एवं उल्टा। क्वेश्चन नंबर सत्रह निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस की। क्वेश्चन नंबर 18, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण का। क्वेश्चन नंबर उन्नीस नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब दूरी ली जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 20, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन नंबर डी प्रकाश का प्रकीर्णन। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? तो ऑप्शन नंबर ए हवा में। क्वेश्चन नंबर 22, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी मात्रक विहीन। क्वेश्चन नंबर 23, प्रकाश स्रोत के सामने एक हरी रंग की छड़ी को खड़ा कर रख देने पर उसकी छाया कैसी होगी? तो ऑप्शन नंबर सी काली रंग की। क्वेश्चन नंबर 24, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर बनती है? तो ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों, यानी छाया उपछाया दोनों। क्वेश्चन नंबर 25, प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी बनती है? तो ऑप्शन नंबर बी वृत्ताकार। क्वेश्चन नंबर 26, दृष्टि के भौतिक अनुभूति को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 27, प्रकाश एक रूप है तो ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा का। क्वेश्चन नंबर 28, शीशा या कांच किस प्रकार का माध्यम है? तो ऑप्शन नंबर ए प्रकाशिक। क्वेश्चन नंबर 29, कांच की सिल्ली से पार करने वाली प्रकाश किरण में पर्दा होता है। क्वेश्चन नंबर 29, तो ऑप्शन नंबर बी पार्श्व विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 30, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है? तो ऑप्शन नंबर बी अवतल। क्वेश्चन नंबर 31, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर ए 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 32, प्रकाश की किरणों के सरल रेखीय गमन का अनुप्रयोग है? तो ऑप्शन नंबर डी ए, यानी कि दोनों, सूर्य ग्रहण में और चंद्र ग्रहण में। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 33, किसी वस्तु की छाया तभी बन सकता है जब प्रकाश की किरणें गमन करेगी। तो ऑप्शन नंबर ए सीधी रेखा में। क्वेश्चन नंबर 34, किसी दर्पण या चिकने तल पर प्रकाश की किरणें आपतित होने पर परावर्तन होता है? तो ऑप्शन नंबर ए नियमित। तो प्रश्न नंबर 1 है, छोटी आंत में पाए जाने वाले
रंसाकुर का क्या कार्य है? छोटी आंत में पाए जाने वाले रंसाकुर का क्या कार्य है? तो ऑप्शन नंबर सी, अपशोषण करना। क्वेश्चन नंबर दो, क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है? तो ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्वेश्चन नंबर तीन, पादप में अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद है? तो ऑप्शन नंबर सी, एथाइल अल्कोहल। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। तो क्वेश्चन नंबर चार, खुला परिवहन तंत्र किस में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, तितली में। क्वेश्चन नंबर पाँच, इनमें से कौन पादप उत्सर्जी पदार्थ नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, स्टार्च। क्वेश्चन नंबर छः, इनमें कौन अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो ऑप्शन नंबर सी, NH3। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो ऑप्शन नंबर सी, लाइपेज। क्वेश्चन नंबर आठ, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो ऑप्शन नंबर ए, वायवीय। क्वेश्चन नंबर नौ, निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसको होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, हवेल को। क्वेश्चन नंबर दस, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर ग्यारह, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, 10। क्वेश्चन नंबर बारह, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? तो ऑप्शन नंबर सी, हरे पौधे में। क्वेश्चन नंबर तेरह, फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, सुक्रोज के रूप में। क्वेश्चन नंबर चौदह, अमीबा में अधिकांश पोषक कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, अंतर्ग्रहण। क्वेश्चन नंबर पंद्रह, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल के कारण। क्वेश्चन नंबर सोलह, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, अस्पंग्स। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर सत्रह, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन नंबर ए, द्वार कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 18, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, रंध्र में। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी,
स्पैग्नोमीटर। क्वेश्चन नंबर बीस रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? तो ऑप्शन नंबर सी प्लेटलेट्स। क्वेश्चन नंबर 21 पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है? तो ऑप्शन नंबर ए निप्रहो के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी मुकुलन। क्वेश्चन नंबर 23 मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में डुबाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफिल को घोलने के लिए। क्वेश्चन नंबर चौबीस स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंडस्क्रोप से देखा जाता है? स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी 10x पर। क्वेश्चन नंबर 25 रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? तो ऑप्शन नंबर सी प्लेटलेट्स। क्वेश्चन नंबर 26 हीमोडायलिसिस में क्या नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो प्रश्न नंबर 1 अम्ल राज में साद्र HCl एवं साद्र HNO3 का अनुपात निम्नलिखित में क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी 3:1। क्वेश्चन नंबर दो निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी सोडियम Na। क्वेश्चन नंबर 3 जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो ऑप्शन नंबर सी H2। क्वेश्चन नंबर 4 सोडियम की परमाणु संख्या है? तो ऑप्शन नंबर ए 11। क्वेश्चन नंबर 5 आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी क्षार धातु। क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 7 लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी जिंक। क्वेश्चन नंबर 8 विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए एनोड से। क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो ऑप्शन नंबर डी के। क्वेश्चन नंबर दस एक्वा रेजिया या रॉयल जेल किस अनुपात में साद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं साद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है? तो ऑप्शन नंबर सी 3:1। क्वेश्चन नंबर 11 खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि
क्रिएटिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर बारह एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर बी एनोडीकरण। क्वेश्चन नंबर 13 निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है। तो ऑप्शन नंबर बी Na का। क्वेश्चन नंबर चौदह निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है। तो ऑप्शन नंबर सी KCl। क्वेश्चन नंबर 15 बॉक्साइड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। तो ऑप्शन नंबर सी एल्युमिनियम का। क्वेश्चन नंबर 16 लोहे का परमाणु संख्या है। तो ऑप्शन नंबर बी 26। क्वेश्चन नंबर सत्रह सिनावार को गर्म करने पर ऑक्साइड में परिणत हो जाता है, तो पुनः गर्म करने पर कौन सी धातु उपचयित होगी। तो ऑप्शन नंबर डी HG। क्वेश्चन नंबर 18 जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है। तो ऑप्शन नंबर डी Na2ZnO2+H2। क्वेश्चन नंबर 19 लोहा से जिंक लेपित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी गैल्वेनीकरण। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है। तो ऑप्शन नंबर ए Cu। क्वेश्चन नंबर 21 विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ए एनोड पर। क्वेश्चन नंबर 22 धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत के होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए और बी दोनों और चालक दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 23 धातुएं आवर्त सारणी में किस ओर स्थित होती है। तो ऑप्शन नंबर ए बाईं ओर केंद्र में। प्रश्न नंबर 1 निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी पीतल का। क्वेश्चन नंबर 2 निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तनांक के नियम के लिए सही है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2। क्वेश्चन नंबर 3 किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है वह भाग है। तो ऑप्शन नंबर बी रेटिना। क्वेश्चन नंबर 4 किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो ऑप्शन नंबर बी sin I/sin R। क्वेश्चन नंबर 5 एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेमी है, तो यह गोली दर्पण में कैसा होगा। ऑप्शन नंबर ए उत्तल। क्वेश्चन नंबर 6 तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। तो ऑप्शन नंबर सी अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 7 अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर आठ किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या आर। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर है, तो निम्नांकित में कौन संबंध सही है। तो ऑप्शन नंबर बी R = 2F।
क्वेश्चन नंबर 9, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, नाइक्रोम का। क्वेश्चन नंबर 10, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है? तो ऑप्शन नंबर डी, 3.6 × 10⁶ जूल। क्वेश्चन नंबर 11, किलोवाट प्रति घंटा एक इकाई है? तो ऑप्शन नंबर बी, शक्ति की। क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत फ्यूज धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मीय। क्वेश्चन नंबर 13, वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, समांतर क्रम में। क्वेश्चन नंबर 14, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, वोल्टमीटर। क्वेश्चन नंबर 15, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो ऑप्शन नंबर डी, स्थिर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? तो ऑप्शन नंबर सी, निष्क्रिय गैस। क्वेश्चन नंबर 17, एक घोल नीले लिटमस पत्र लाल कर देता है घोल का पीएच मान क्या हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए, 2। क्वेश्चन नंबर 18, बेंजीन का अणु सूत्र क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, C6H6। क्वेश्चन नंबर 19, एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम है? तो ऑप्शन नंबर बी, एथेनॉल। क्वेश्चन नंबर 20, CnH2n निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र है? तो ऑप्शन नंबर बी, एल्कीन का। क्वेश्चन नंबर 21, लोहे की परमाणु संख्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, 26। क्वेश्चन नंबर 22, स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, निकेल एवं क्रोमियम। क्वेश्चन नंबर 23, पीतल है? तो ऑप्शन नंबर सी, मिश्र धातु। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नांकित यौगिकों में कौन अम्ल है? तो ऑप्शन नंबर बी, H2SO4। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है? तो ऑप्शन नंबर ए, हल्दी।